करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। बीजेपी में आज लोह पुरुष यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी का युग आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। एक वक्त हुआ करता था जब बीजेपी का नाम लेते ही लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा सभी के सामने आता था, लेकिन जिस तरह से मोदी के आगे आडवाणी की हर मांग को नजरअंदाज कर दिया गया, उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि मोदी ने अपने गुरु को ही दरकिनार कर दिया। जी हाँ, किसी ने एकदम सही कहा है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब आडवाणी ने मोदी की उंगलियां पकड़कर उन्हें सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करवाई थी, गुरु बनकर हर पड़ाव पर साथ दिया था। अगर जिक्र साल 2002 का करें तो गुजरात दंगे के दौरान के बाद उन्हें आडवाणी ने ही बचाया था, और वहीं 11 साल पहले गोवा में चल रही राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को निकालने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन आडवाणी उनके फैसले के बीच में आ गए और अटल बिहारी वाजपेयी को झुकना पड़ा। आडवाणी के इस फैसले के बाद ही गुजरात में मोदी की सीट बची हुई थी। इससे तो साफ है कि पहले मोहब्बत फिर कड़वाहट से भरा ये रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर आ गया है कि ना कड़वाहट बची और ना ही मोहब्बत। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु को धोबी पाट दिया और इस धोबी पाट में विरोधी के चारों खाने चित्त हो गए, और शायद बीजेपी के कुछ नेताओं को अफसोस सिर्फ इस बात का हो गया कि चारों खाने चित्त होने वाले गुरु लाल कृष्ण आडवाणी है। अब मोदी बीजेपी के भविष्य हैं और आडवाणी इतिहास बन के उभर गए हैं। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।